Hello everyone, in this video we are going to read the third section of third unit of class 7 English book and it's a poem titled A Trek Through the Himalayas. Matlab Himalay par chadhai ke dauran, trekking ke dauran. In this poem Srinjaya Chakravarti, is poem ko likha hai Srinjaya Chakravarti ne aur isme wo describe kar rahe hain ki unka kya kya experiences tha jab wo mighty vishal Himalay pe chadhai kar rahe the ya trekking kar rahe the. वो कहते हैं द जर्नी लास्ट फॉर डेज एंड डेज वी ट्रेक अप वैली हिल एंड स्लोप वी कैरी विद आवर सेल्फ द होप टू ट्रैवर्स स्ट्रेंज अनट्रॉडन वेज. वो कहते हैं कि ये जर्नी है वो कई दिनों से चली आ रही है, बहुत लंबी जर्नी थी. हम वैलीज को चलते चले गए, हिल्स पे चलते चले गए, स्लोप्स खाइयों में चलते चले गए और हम अपने साथ क्या कैरी कर रहे थे, तो हम अपने साथ सिर्फ आशा कैरी कर रहे थे. वी वर कैरिंग होप विथ अस टू ट्रैवर्स, ताकि हम सामना कर सकें उन स्ट्रेंज अनट्रॉडन वेज का, उन अजीबोगरीब रास्तों का सामना कर सकें. ट्रैवर्स मतलब चीढ़ते हुए आगे बढ़ना. सो इफ़ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इट्स अ पोएम ऑफ 5 स्टैंजाज, मीन्स 20 लाइन्स डिवाइडेड इंटू 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा, और मतलब क्वाट्रेन है ये पोएम. दिस पोएम इज अ क्वाट्रेन, ईच स्टैंजा इज अ क्वाट्रेन एंड द राइम स्कीम इज व्हाट, ए बी बी ए. द राइम स्कीम इज ए बी बी ए. इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो हमारा है, इट इज ए बी बी ए एंड दिस हैज बीन फॉलोड थ्रू आउट द पोएम. और स्टैंजा 4 लाइन्स इज कॉल्ड अ क्वाट्रेन. तो ये था पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में. कई सारे राइमिंग वर्ड्स या रिपीटिंग वर्ड्स भी हमें मिल सकते हैं. वी कैन गेट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटेशन एलिट्रेशंस थ्रू आउट द पोएम. तो नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड स्टैंजा, यहाँ बात हो रही है वी एंटर नाउ अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. अब हम लोग बादलों की दुनिया में प्रवेश करते हैं. अलॉन्ग द वे वी हियर द कॉल, जहाँ से हम अपनी ही आवाज़ों को सुन सकते हैं. माउंटेन पे जो विंड, जो हवाएं हैं उसे सुन सकते हैं, झरनों की आवाज़ों को सुन सकते हैं. द पैलिड मिस्ट, जो हल्की हल्की धुंध है वो भी स्प्रेडिंग श्राउड्स, मतलब वो भी ढक रही है, बिल्कुल सभी चीज़ों को ढकती चली जा रही है. एट लास्ट वी रीच द फाइनल पीक, और अंततः हम फाइनल पीक पे पहुंचते हैं. द समिन बेकॉन्सस टू कम, जो समिट है, जो शिखर है वो हमें बुला रहा है आने के लिए, बेकॉन्सस हिम्मत दे रहा है. द एयर इज कोल्ड आवर फीट आर नंब, जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है और हमारे जो पैर हैं वो सुन्न पड़ते जा रहे हैं. वी क्लाइम टू रीच द ग्रेल वी सीक, और हमें जहाँ तक पहुँचना है, जो हमें अचीव करना है, हम वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. वी क्लाइम टू रीच द ग्रेल वी सीक, अगेन राइम स्कीम ए बी बी ए. द पाथ इज स्टीप एंड नैरो देयर, जो पाथ है वो काफ़ी सकड़ा है, वो काफ़ी खड़ा है और नैरो है, काफ़ी तीखा है. इट्स स्नेक्स इट्स वे, वो बिल्कुल लहरें खाता है, बिल्कुल घुमावदार है. दीज स्टेयर्स ऑफ स्टोन, जो सीढ़ियाँ हैं वो पत्थरों की हैं, चट्टानों की हैं. नाउ मार्क द रूट विच वी मेक आवर ओन, द सनशाइन गिल्स द ल्यूसिड एयर, और ये जो सनशाइन है वो इसे बिल्कुल सुनहरी धूप से इसे ढक दे रहा है. द पीक इज स्टार्क विथ गेलिड स्नो, अब ये जो पीक है वो काफ़ी ठंडा, वो बिल्कुल बर्फ़ से भरा हुआ है, ढका हुआ है. वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, हम लोग वहाँ से देखते हैं उस तरफ जहाँ स्काई और अर्थ दोनों ही आपस में मर्ज करते हुए प्रतीत हो रहे हैं. फ्रॉम हाई अबव आवर सोल्स आर पर्च्ड, और हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो बिल्कुल हर तरह की बुराई, हर तरह की नेगेटिविटी से दूर जा चुकी है. फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो, और दुनिया में जितनी भी बुराई है हमारे आसपास, हम इन सभी से दूर, काफ़ी दूर ऊपर उठ चुके हैं. दैट इज़ वॉट श्रृंजय चक्रवर्ती ट्राइज टू प्रेजेंट इन अस विथ हिज ब्यूटिफुल पोएम. दैट इज़ ऑल फॉर दिस पोएम, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. वी शैल टॉक अबाउट अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज. टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय.